Okay, so what's up guys, this is your deceiving ninja here. So मैं recently Bloodborne के game जो है उसके अंदर थोड़ा घुसा हूँ. I know that sentence doesn't make any sense, but हाँ, मैं recently Bloodborne खेलना start किया है. So मैं सोचा था कि मैं आपको अपना hands on thought बताऊँ पहले इस game के बारे में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक cool हथौड़ा है जो एक तलवार में बदलता है. So let's get on with it. Bloodborne, आप जिन लोगों को पता नहीं हो, they are from the makers of Dark Souls. Dark Souls series popular है अपने hard gameplay और अपने level designs उनके लिए. जैसे कि मैं बता रहा हूँ, this game is like, मैं पहले एक दो घंटा जब खेला था, I was really skeptical. मुझे बहुत ही annoying लगा था game. I got really bored of it. लेकिन like मैंने फिर internet पे थोड़ा सा देखा तो, and people say that थोड़ा सा आगे बढ़ो तो मज़ा आता है. Then I thought like इसमें इतना क्या मज़ा है. So okay, I should, yeah, okay. तो मैं वापस जा रहा हूँ. जैसे कि मैं बता रहा था, पहले एक दो घंटा गेम का बहुत बोरिंग है. सीरियसली बहुत ही बोरिंग है. लाइक आपका कैरेक्टर लेवल बहुत कम होता है. आप कुछ डिफ़िकल्टी तो होता ही है गेम में, जिसकी वजह से आप किसी को मार नहीं सकते. और मतलब क्या बताओ, और इतने बार मरते हैं आप, मैं आपको दिखाऊंगा. मैं रिटेली कितना बार मरता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑन गोइंग गेम प्ले में ही दिखा रहा हूँ आपको कि मैं कितना बार मरता हूँ. तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं. मैं आपको पहले अपना कैरेक्टर डिज़ाइन दिखाता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर्स कैसे काम करते हैं. आप टॉप राइट कॉर्नर में अगर देख रहे हैं, वहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई देंगे, इनसाइट एंड ब्लड एकोस. ब्लड एकोस जनरली यूज होते हैं आपके कैरेक्टर को अपग्रेड या फिर आगे बढ़ने के लिए. ये डॉल आपकी हेल्प करते हैं. यस, दिस इज़ अ डॉल. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हियर इज माई डिटेल्स. तो मैं अभी लेवल 22 में हूँ. सो 23 में जाना है मुझे. सो लेट्स इंक्रीज माई स्ट्रेंथ अ लिटल. यस ओके, मैं और कुछ लेवल अप नहीं कर सकता. तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितना ये गेम प्ले कैसे काम करता है. अगर आप लोगों को इस गेम का वॉक थ्रू या फिर गेम प्ले देखना है, या फिर मतलब लाइक यू वांट टू सी मी डाई अलॉट, प्लीज़ कमेंट डाउन. मैं आप लोगों के लिए ज़रूर खेलूंगा ये गेम. मुझे सीरियसली ये गेम बहुत अच्छा लगा. पहले एक दो घंटे के लिए मैं जैसे बता रहा था कि लाइक इट वॉज रियली बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था. मैं बहुत बार मर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है. लेकिन लाइक धीरे धीरे जब खेलता रहा, मुझे समझ में आया, एंड देन आई रियली लव द गेम प्ले. द कॉम्बैट इज़ रियली बेस्ड ऑन डॉज एंड अटैक. तो आपको जितना अच्छा अटैक करना है, उतना अच्छा डॉज भी करना होता है. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है. लेट्स गो डाउन. ओके, सो लेट्स गो. ओके, सो जैसे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि NPCs आर रियली टफ हियर. ये तो सबसे कमज़ोर वाले थे, तो यू गेट हिट बाय देम अ लॉट. और आप मरने भी बहुत वाले, तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप ये गेम बहुत ही जल्दी ख़त्म करने वाले. ओके, दे दीजिए. ओके, लेट्स गो. मुझे इसको हैमर से हराना है. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मरते कैसे हैं. ओके सर, लेट्स गो. ओह शिट. ओके, सो हाँ, ये गेम प्ले बहुत डिफिकल्ट है इसका. यू हैव टू बी रियली गुड एट डॉजिंग एंड अटैकिंग. तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में गुड नहीं है, तो ये गेम आपको बहुत बुरी तरह से परिश करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं. आई होप कि मैं ना मरूं, क्योंकि मेरे अगर मरा तो मेरा सब कुछ चला जाएगा फिर से. ओके, डॉज. ओके, और एनिमीज़ बहुत डिफिकल्ट होते हैं. इसका गेम का लेवल डिज़ाइन बहुत ही सही है. मैं आपको बताता हूँ इस लेवल डिज़ाइन के बारे में. इस गेम का लेवल डिज़ाइन इज़ सो गुड. आपको खेलने के बाद पता चलेगा कि लाइक हाउ गुड द लेवल डिज़ाइन इज रियली इज़. ओह शिट. ओके, ओह माय गॉड. मैं मर गया. ओह फक. एंड और माई इंसाइट्स आर गॉन. सो जैसे कि आप देख रहे हैं,
कि इसमें डॉजिंग और अटैकिंग का बहुत ही मेल होना चाहिए, लाइक यू हैव टू बी रियली गुड. और इस गेम को प्रैक्टिस के बिना आप इसमें अच्छे नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूँ. वेपन्स बहुत सारे हैं, गेम का स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. मुझे बस इतना बताया गया कि बाहर जाओ और बीस्ट को मारो. तो बेसिकली आप एक हंटर है जो बीस्ट को मारते हैं. ये ह्यूमंस है जो किसी चीज़ के वजह से कुछ बन गए हैं. सो मैं अभी अपना एक्स लेता हूँ. एक्स इज रियली गुड, आई नो. ओके लेट्स गो, लेट्स गो. ओके मेरे पास कौन सा गन है? ओके लेट्स गो. तो आपके पास दो तरह के वेपन होते हैं इस गेम में, ठीक है? ओ माय फक. हाँ तो मैं जैसे कि बता रहा था, आपके पास दो तरह के वेपन होंगे इस गेम में. एक तो आपका ये जो मेले वेपन है और दूसरा है रेंज्ड वेपन. सो दोनों का काम है. रेंज्ड वेपन से आप रेंज्ड वेपन उतना काम नहीं करता, लेकिन अगर आप अपना अटैक टाइम में करते हैं, इफ़ यू अटैक योर टाइम्स, मैं दिखाना चाहूँगा कैसे काम करता है. अगर आप अपना रेंज अटैक टाइम में करते हैं, आप एक बहुत क्रिटिकल ब्लो, वाइटल क्रिटिकल ब्लो के लिए आप एसेट कर सकते हैं, जो बाद में बहुत ही काम आता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है. मैं आपको सब, आई होप मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं इस बंदे के साथ मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये तो मेरा टट्टी निकाल रहा है अभी. ओके सो ओ माय गॉड. ओके तो ओ माय गॉड, व्हाट द फक. ओके सो दिस गाय इज़ क्रेजी मैन. इसको मैं बहुत तरीके से बहुत टाइम से हराने का कोशिश करो. और द पॉइंट इज़ दैट कि इस गेम में ग्राइंड बहुत जाता है. इट्स काइंड ऑफ लाइक एन आरपीजी, तो आपका लेवल अच्छा होना चाहिए कि आप किसी को बीट कर सके. तो मैं ये आपको पहली बार बता रहा हूँ, और आपको कुछ समझा नहीं जाएगा ये गेम क्या करता है, तो फिगर आउट करना पड़ता है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक अबाउट द गेम. ये आपको बोलता है कि गेम तुमको दिया गया है, खेलो और समझो. ओ माय गॉड साला, ये क्या क्या अटैक करता है. Oh, I hope I defeat him now. Oh, yes. हाँ तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ गेम प्ले ये है. इसमें आपको डॉज एंड अटैक बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है, आपको वेपन्स वेरिएशन आपको समझ में आना चाहिए. आप ऐसे भाग के किसी को मार नहीं सकते इस गेम में. ओके मैं आपको पहली बार बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि भाग के किसी को मारेंगे तो वो होने नहीं वाला है. तो ओ, और इसका वेपन इंटीग्रेसिव बहुत ही ज़्यादा है. आई होप मैं आपको क्रिटिकल अटैक मुझे आपको दिखाना है, लाइक काम कैसे करता है. ओ शिट, ओ फक. हाँ तो मैं अभी एक्चुअली लेवल ओ ओ फिर से तो हाँ तो वही पॉइंट है. दिस गेम इज़ रियली गुड, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा इस गेम को अगर समझ में आना है या फिर इसके लिए खेलना है इसके साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा 15 मिनट्स वाला एक सोच मैं अपना रिव्यू, कोई रिव्यू भी नहीं, मुझे रिव्यू करना नहीं आता. मैं अपना जस्ट मतलब मुझे कैसा लगता है ये गेम मैं आपको बताना चाहता हूँ. बस वही, दैट इज़ द पॉइंट. मुझे इस वेपन से नहीं खेलना है. I want to go back to my table. Okay. तो वेपन्स बहुत सारे, हर एक वेपन का दो मोड होता है. ओके ठीक है, हर एक मेले वेपन का एक्चुअली एक होता है जो बंद वाला मोड है जो आप देखते हैं मेरा तलवार का, और एक है एक्सटेंडेड मोड जो ये करता है बूम. हर एक वेपन का डिफरेंट एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन का काम ये होता है कि लॉन्ग रेंज अटैक कर सके. लेकिन अगर आप कोई एनिमी है जो आपको थोड़ा क्लोज रेंज में ज़्यादा डैमेज करता है, तो आप उसको लॉन्ग रेंज से अटैक कर सकते हैं. लेकिन मेरा लॉन्ग रेंज अभी तक उतना अच्छा नहीं है. सो द पॉइंट इज, मैं इसीलिए ओके ओके आजा आजा उल्लू उल्लू ओके ओके मुझे
इस गेम का ये डिफ़िकल्टी, ये लेवल डिपेंड बहुत ही नहीं लगा, पहले पहले बहुत ही बोर था ये गेम, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बोरिंग होगा, लेकिन लाइक धीरे धीरे आप जैसे प्रोग्रेस करेंगे यू लव दिस गेम, ओके लिटरली यू लव दिस गेम। सो आपको अगर आप लोगों को इसका गेम प्ले चाहिए तो प्लीज़ 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 कॉमेंट बिकॉज आई लव प्लेइंग दिस गेम। मुझे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रही, ओके कोई है क्या, ओके कोई है, ओके देर आर पीपल कमिंग, ओह माई गॉड, ओके ओह। और हाँ एक और बात है, आप जब किसी कैरेक्टर को हिट करते हैं ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एग्रेसिव गेम प्ले बहुत प्रमोट करता है जो डार्क सोल्स में नहीं होता है। डार्क सोल्स में आपको बेसिकली डिफेंस अटैक करना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत एग्रेसिव स्टाइल आपको खेलने को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि दिस कैरेक्टर प्रमोट्स द गेम एक्चुअली गिव्स यू अ टाइम, मतलब जब आपको कोई एनिमी हिट करता है आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि आप वो हेल्थ रिगेन कर सके, और मेरा इंसेक्ट मुझे वापस मिल गया, ब्लड इज रिस्टोर्ड, ओके। सो यही पॉइंट है गेम का। तो मैं गेम प्ले अगर मैं आपको आई होप मैं आपको दिखा पाऊँ टाइम में, ओके लेट्स गेट अ रन, लेट्स सी इफ वी कैन रन पास दिस, ओके वी कैन। तो मैं आपको ओके तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो सबसे मस्त अटैक है इस गेम का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अगर कर पाऊँ आई होप मैं कर पाता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे खेलते हैं। वो एक क्रिटिकल डैमेज होता है जो आपको एक ही शॉट में किसी भी बड़े एनिमी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत सही होना चाहिए, ओके ये रहा, दिस इज कॉल्ड अ वाइटल क्रिटिकल अटैक, जो आप पहले अपने रेंज्ड और मेले वेपन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके कर सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट आई लव, लाइक हर एक वेपन का, हाँ आपका रेंज वेपन कमज़ोर है बाकी वेपन से, लेकिन फिर भी इसका एक काम है, लाइक इट कैन बी यूज टू डू सीरियस डैमेज विथ द मेले गन्स, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हाँ इस गेम्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो सेव आपको इस गेम में ज़्यादा मिलेगा नहीं, एक लेवल में सपोज एक ही सेव होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं जैसे कि मैंने अभी किया है, मुझे एक्चुअली ये शॉर्टकट बहुत पहले ढूंढा है क्योंकि मैंने गेम थोड़ा खेला, लाइक आई हैव पुट 30 आवर्स इन दिस गेम सो अब तक, एंड आई हैव डिफीटेड द फर्स्ट लेवल 2 बॉसेस, लेकिन मेरे पास गेम प्ले है, सो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको ज़रूर वापस पोस्ट कर पाऊँगा। सो द पॉइंट इज़ दैट कि शॉर्टकट्स होते हैं जो लेवल डिजाइनिंग इस गेम का बहुत अच्छा है, मैं इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि लाइक दे हैव मेड दिस सो गुड, लाइक हर एक जगह लास्ट में घूम फिर के वहीं पे आता है, जैसे कि मैं अभी इस जगह पे था, एंड अगर आप लोगों को याद हो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। सो ये शॉर्टकट आपको अनलॉक करना पड़ता है जो मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के घूम घूम के मैंने अनलॉक किया है। सो ये होता है, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो दे लीड टू अ डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, इसी सिटी के अंदर पूरा गेम लोकेटेड है। मैंने लेवल 2 अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेवल 2 मतलब क्या, मैंने प्रोग्रेशन अपना स्टार्ट नहीं किया, मैंने बस 2 बॉसेस को हराया अब तक, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मे बी यू गाइज वुड लव दिस काइंड ऑफ गेम प्ले। और ओके इसको मैं तो हाँ यही था मेरा इनसाइट, ये गेम इज लाइक वेरी गुड, अगर आप लोगों के पास PS4 है तो मैं बताऊँगा, प्लीज़ 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 इफ़ यू हैव PS Plus देन डाउनलोड दिस गेम एंड प्ले इट, लाइक यू विल सो लव इट, यू विल थैंक मी, लाइक हाँ पहले बार द ग्राइंड इज़ रियल, बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग है इस गेम में, ग्राइंड करना पड़ेगा आपको अगर आपका कैरेक्टर को आगे लेके जाना है, कस्टमाइज़ करना है, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस गेम के साथ। सो इफ़ यू रियली लाइक इट, यू आई डोंट थिंक इफ यू रियली लाइक इट बट यू विल लाइक इट आई नो। सो यही था मेरा थॉट्स ऑन द गेम ब्लडबॉर्न। मैंने डार्क सोल्स गेम आज तक खेला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ डार्क सोल गेम, लाइक डार्क सोल रिलेटेड गेम, ये डार्क सोल से थोड़ा अलग है, मैंने जैसे बताया कि लाइक इसमें डिफेंस और अटैक होता है, डार्क सोल्स में डिफेंस और अटैक होता है, इसमें अटैक है, ओके बेसिकली अटैक है, यू हैव नो वे ऑफ डिफेंसिंग, सो यू हैव टू आइदर यू हैव टू बी रियली गुड एट डॉजिंग, आपका टाइमिंग बहुत सही होना चाहिए, अगर आपका टाइमिंग सही नहीं हुआ तो बहुत गलत होने वाला है।
सो यही चीज़ मुझे इस गेम का बहुत अच्छा लगा, ये प्रमोट करता है कि आप एक अटैकिंग गेम प्ले प्रमोट करें. सो दिस वॉज मी डिसीविंग निंजा.